ऐसा है कि अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है जटायु का इनोग्रेशन होने वाला है और आई एन एस आइलैंड में इनोग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इंडिया इज बिल्डिंग न्यू नेवल बेस इन लक्षद्वीप इट इज कॉल्ड आईएनएस एन एस जटायू देश बी लोकेटेड इन मिनकॉय

जिकली प्लेस चाइना ने आइलैंड ले लिया भारत ने जवाब में यहां पर मिनिकॉय और अगाडी आईलैंड में अपना नेवल बेस बनाने का फैसला कराया भारत के नेवल बेस और जगह भी है और जगह भी है भारत के लेकिन यह भारत के लिए बनाना आवश्यक हो चुका है इससे मालदीव को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि बूस्ट मिलने वाला है मालदीव जिसकी ऑपोजिशन में खड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी इतना ताकत भरा है कौन है जो कर सकता है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकता है आई एम टॉकिंग क्योंकि हम क्योंकि इस साउथ कल्चर को जानते हैं तो दैट्स वॉट आई एम टॉकिंग चाइनीज़ ज़ारी बात है बड़े जी के नेतृत्व में अब भारत जो है एक नेवल पोर्ट करेगा, नियर मोलदीव मॉलदीव बहुत उछल रहा था वहां पे भारत के दो चार सैनिक क्या गए थे उनकी खुद मोलदीव की रक्षा के लिए मॉलदीव उछल रहा था कि हमारे आसपास जो है भारत की दो चार आर्मी क्यों प्रेजेंट ठीक है तो भारत कह रहा है दो चार अब तो मतलब हजारों की संख्या में भारतीय नेवी मॉलदीव के आसपास रहेगी वहां पे एक नेवल पोर्ट विकसित करने जा रहा है भारत और ये खबर सुन के दोस्तों पाकिस्तान और चाइना में एकदम मातम का माहौल है आप समझिए कि चाइनीज मीडिया में इसको ये दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज गोइंग टू ट्रैप चाइना दोस्तों क्योंकि मॉलदीव के पास अगर भारत अपनी नेवल बेस विकसित करता है तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहीं से चाइना का ट्रेड जाता है सारा व्यापार यहाँ यहीं से होता है चाइना का तो अगर यहाँ पे भारत अपना नेवल पोर्ट विकसित करता है तो चाइना के एक एक सिप पे भारत अपनी नज़र अगर चाहे

तो एन जटायु का इनोग्रेशन होने वाला है और आई जटायु एस जटायू मेनिकॉय में इनग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च कौन राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री ही विल इनगरेट द बेस अच्छा ये यहां पे आने के बाद भारत ने यह भारत का पूरा का पूरा दोस्तों ये हो गया हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड ये हमारा हो गया ईस्टर्न सी बोर्ड जाहिर सी बात है ये ईस्ट की तरफ है ये वेस्ट की तरफ है ये हमारा वेस्टर्न सी बोर्ड हो गया यहां पर आइलैंड में भारत अपना एक नेवल बेस बनाएगा इस वक्त जो कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें रक्षा मंत्री हैं जिसमें यू you नो know, सारे जनरल्स हैं एडमिरल्स हैं एयर मार्शल और इट्स इट्स अ कंप्लीट थिंग वो हो रही है अबॉर्ड एन एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर सब लोग कर रहे हैं ये सब और यहां पे इनका आइडिया है कि इस एरिया में नेवल बेस बनाए अगाटी और मैंने ये दो जगहों के ये दो आइलैंड्स के नाम आप याद रखिएगा दोस्तों लेकिन पाकिस्तान, है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। यहां पे दर्जन भर से ज्यादा शिप्स डाले हैं इंडियन नेवी ने ठीक है दोस्तों दर्जन भर से ज्यादा शिप्स इंडियन नेवी के हैं शामिल कॉरबेट्स शामिल डिस्ट्रॉयर्स शामिल सबमरी शामिल एयरक्राफ्ट के शामिल ड्रोन्स। सब कुछ यहां पे है और सबसे बड़ी बात यहां पे करने के लिए इस पूरे एरिया में भारत का जिसको यूपी में कहते हैं हम लोग ना भोकाल बॉस भोकाल एकदम टाइट है भारत का चाइना को भी पता है अपने इलाके में हम बना रहे हैं क्या दिक्कत है यार यहां पर जो अगाडी और मिनिको में अपने इलाके में नेवल बेस बना रहे हैं क्या प्रॉब्लम किसी को हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम है लेकिन प्रॉब्लम है चाइना का सोशल मीडिया जो कि बड़ा क्लोज है जिसको हम लोग शायद एक्सेस कर पाए तो ना हमें क्या पता वो चीपो चीपो चीप क्या लिख रहे हैं उसमें वी डोंट नो अबाउट इट बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि द चाइनीज आर नॉट वेरी हैप्पी कि भारत क्यों हमें काउंटर करने का हमारा देश है यार अब तुमसे अब शाम को ये पूछेंगे कि हम अपने घर में कौन सा खाना बनाएं चाइना अप्रूव करेगा भारत है या पाकिस्तान नहीं है ठीक है तुम्हें जो बुरा लगता है बहुत अच्छी बात है करा भी इसलिए कि तुम्हें बुरा लगे ठीक है दोस्तों तो यहां पे बन गए अपने बेसिस यहां पे ऑलरेडी हमारे बेसिस हैं यहां पे और जगह हमारे बेसिस हैं चाइना को और जैसा मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था फिलीपींस को दे दी ब्रह्मोस मालदीव जब अपने घुटनों पर आगे ऑपोजिशन का मुजाहिरा भी कर रहा है क्योंकि भारत के इस कदम से नेवल बेसिस के फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाने से नेवल बेस का आगाज करने से मालदीव को बहुत बड़ा लगा और उनके लिए खतरे की घंटी भी है इंडियन नेवी के बारे में पूरी दुनिया में बड़ा ज्यादा मशहूर हो रहा है उनकी तारीफ की जा रही है इससे पहले जो उन्होंने रेड सी में जिस तरीके से उन्होंने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था उसकी तारीफ भी पूरी दुनिया ने की अभी नेवल बेस उनकी नहीं बन रही है इससे उनके जो इदारे हैं उनकी पूरी दुनिया में क्या एक इमेज जा रही है उनकी इमेज तो सबके सामने है पहले जो थी अब है उसके बारे में बहस नहीं करना चाहूँगी उनकी जो आर्मी है वो अपनी हाँ, अपनी आवाम से ज्यादा वो अपने काम पे फोकस करती है और यहाँ पे काम से ज़्यादा आवाम पे फोकस किया जाता मुझे बताया दुनिया में कब याद हाँ करती है जब हमारे जब किसी को पैसा चाहिए हो जब हमें मदद चाहिए हो तब तब भी याद करती क्योंकि कर्जा तो हमें मिलने में इतनी दिक्कत होती है हाँ जी बहुत है उनसे जो उनके साथ पंगा लेती है वो डर क्यों जाते हैं बाद में सोरी क्यों मांग करते हैं क्या मसला वहाँ पे अब यहाँ पे मैं कुछ वही ना यहाँ क्यों कर लेते हैं पहले पंगा लेते हैं फिर बाद में माजरत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को इकोनॉमी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना अगर वर्ल्ड इतना मतलब शॉकड हो गई है कि भारत जिस तरीके से अपने इधारों को मजबूत कर रहा है या जिस तरीके से पॉलिसीज बना रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे कि जो कंट्री उनके साथ बदतमीजी करती है वो बाद में ख़ुद सॉरी बोल देती है उनको क्या क्यो, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है भारत इसमें उनके वही बात है कि दे हैव यूनिटी फिर उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो उनके मोदी साहब हैं उनकी जो मैंने ज़्यादातर स्पीच सुनी है या उनके डिफरेंट जलसे वगैरह जो इस हैं उनका मेन फोकस बच्चे स्ट स्टडीज़ पे होता है okay. और इस तरह की फील्ड में या इस तरह की जितनी भी है उनमें मेन स्टडीज़ या रिसर्च और ये साइंटिस्ट की जरूरत ही है जो आगे कंट्री को लेकर ओवरऑल हमारे पास क्या है एक अटॉमिक पावर है जिसको भी हम इतने स्टेबल नहीं है कि हम उसे किसी के खिलाफ यूज़ कर सकें क्योंकि मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर विजन रखने वाला विजन रखने जिसका विजन हो जो अपनी आवाम को अपनी यूथ को अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो कुछ समझा रहा हो किसी तरफ ला रहा हो हाँ। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है उनके पास यूथ एजुकेशन है उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज्यादा है लेकिन दुनिया में उनकी एक दहशत यह कहले कि उनकी जो इमेज पोर्ट्रे हो रहा है वो कैसा हो रहा है इमेज अच्छा जा रहा है इंडिया के लिए काफी अच्छा जा रहा है कि वो अच्छे 97 अच्छा, है, ओ, हाँ जी, हाँ जी, काफी अच्छा है नेट मतलब कैसे मगर आबादी है मगर सोशलिंग काफी ज्यादा है एक दूसरे से राबते रखते हैं और रबे में काफी आगे रखते हैं और इसलिए इस बेसिस पे काफ़ी अच्छा है लेकिन क्या वा? तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है कि भारत की ये स्ट्रेटजी पहले हम मॉलदीव में चाह रहे थे कि हमारे सैन्य को एक्सेस मिले मॉलदीव में लेकिन अब हम मॉलदीव के पास खुद ही अपना एक सैन्य पोर्ट विकसित कर लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना की ये रणनीति आपको किस तरीके से अच्छी लगी आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है लेकिन बहुत ही जबरदस्त दोस्तों डिफेंस की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है जितना हमारे सेना को सशक्त बनाया गया मोदी जी के नेतृत्व में मुझे नहीं लगता किसी और के नेतृत्व में बनाया गया ठीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक से एक घातक हथियार चाहे वो मेड इन इंडिया हो चाहे वो रूस से मंगाया एस फोर हंड्रेड आप लोगों को पता ही है तो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने डिफेंस को बहुत मजबूत बनाया पहले भी हमारी जो सेनाएं थी वो अभैद थी लेकिन अब तो मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया का अगर पूरी सेना मिल जाए ना फिर भी इस समय भारत को काउंटर करना नामुमकिन हो जाएगा क्योंकि भारत हर जगह काउंटर करने के लिए अपने सैन्य बेस ने नेवल बेस एक्सेस पोर्ट का एक्सेस भारत चारों तरफ दुनिया में हाथ पाँव मार रहा है ठीक है हाथ पाँव मारेंगे हम यहाँ अब जैसे ईरान के चा चाबार में ले लिया हमने ठीक है तो ऐसे ऐसे एक्सेस मिलते जाएगा अब मालदीव के निकट हम एक अपना नेवल पोर्ट विकसित कर रहे हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में काफ़ी सारा डेवलपमेंट सैन्य क्षेत्र में भी हुआ है तो उसका फायदा भारत को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोस्तों फायदा यही होता है कि जितनी जिस की सेना दिखने में स्ट्रांग लगती है तो फिर देश उतना देख के डर जाते हैं कि अरे भाई इनके पास तो इतनी सारी चीज़ें एक्सेस है पहले से हम इन पर क्या हमला करें ठीक है अब चाइना भारत से पंगा लेने से पहले सोचेगा कि भारत तो हमारा पूरा ट्रेडी ब्लॉक कर देगा तो इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा उस जुड़े रहें वीडियोज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद